बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस बीच सुशांत की पोस्टमार्टम की एक और बात सामने आई जिसे लेकर पहले कई सारे सवाल खड़े तो किए गए लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिला। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के गले पर लिगेचर मार्क होने का जिक्र है। अब ये लिगेचर मार्क क्या होती है इसका खुलासा आज हम हमारी इस रिपोर्ट में करेंगे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोपसी रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के हादसे की वजह दम घुटना बताया गया लेकिन इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के गले पर लिगेचर मार्क होने का जिक्र नहीं किया गया। लिगेचर मार्क जिस आम भाषा में गहरा निशान कहते हैं आमतौर पर ये यू शेप का होता है जो बताता है कि गला किसी रस्सी से या उस जैसी किसी चीज से कसा गया है। बता दें सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर जो निशान था वो 33 सेंटीमीटर लंबा था। रस्सी का निशान ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। गले की दाहिनी तरफ निशान की मोटाई 1 सेंटीमीटर थी। गले की बाईं तरफ निशान की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन निशान के अलावा सुशांत के शरीर पर कई चोट के निशान नहीं दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले और सिर के आसपास कोई हड्डी नहीं टूटी थी। सुशांत के पीएम रिपोर्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें हादसे का वक्त का जिक्र भी नहीं किया। इसके अलावा सुशांत के बॉडी का कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया। अब जब सीबीआई के हाथ सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है तो ऐसे में जांच टीम उन 5 डॉक्टरों से पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। रिया चक्रवर्ती भी 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम में थी जबकि उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों से ये भी पूछा जाएगा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में से पहले 45 मिनट तक रिया वहां क्या कर रही थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत की रिश्तेदार नहीं है। ऐसे में सवाल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं कि रिया को हॉस्पिटल के इस पोस्टमार्टम रूम में कैसे जाने की इजाजत मिली। हालांकि रिया से जुड़े लोगों का कहना है कि रिया आखिरी बार सुशांत का चेहरा देखना चाहती थी। अगर वो चेहरा देखना चाहती थी तो चेहरा देखने के लिए उसने 45 मिनट आखिर क्यों लगा दिए। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत की पीएम रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट में भी रिया चक्रवर्ती ने ही फेरबदल डॉक्टर से करवाया है। इसीलिए ना तो उसमें सुशांत के जाने का हादसे का वक्त लिखा है और ना ही सुशांत के बॉडी पर लगे निशानों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।